सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइज एक वीडियो में डालने वाला था पर डाल नहीं पाया था कुछ कारणों से, तो मैं आपको से दिखा देता हूँ मैंने घर में क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो फर्स्ट चेंज तो ये, मैंने एक इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाया था, एक फार्म बनाया है यहाँ पे, ठीक है, और ये फीड भी कलेक्ट कर लेते हैं। और था और ये भी बस सो बस ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पर ये भी बहुत चेंजेस है, एज ऑफ नाउ काफ़ी चेंजेस है, वैसे ज़्यादा चेंजेस है नहीं। सो ये अपने पार्ट कर दिया, मुझे यहाँ से एक हटाना पड़ेगा और इस पे हम लगाते हैं। और ये गाइस एक मैंने कॉम्पैक्ट छोटा फार्म बनाने की कोशिश की है। और हम सबसे पहले चल के अपना वीट वापस लगाते हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल लेके चलते हैं। तो गाइस मैंने ऑफलाइन खेलते हुए ये सब बनाया था, बिकॉज यार बहुत टाइम बर्बाद होता है ऐसे नॉर्मली बनाते हुए। तो और इसको वापस लगाते हैं, कॉबल स्टोन भी थोड़ा रख देते हैं, ये रख देते हैं, स्टिक्स जान दो, ये भी जान दो, ये भी लापिस लजूली और कॉबल स्टोन थोड़ा और बाकी वापस डाल दो, ये भी और ये भी। सो गाइस जैसा कि मैंने बताया था ज़्यादा चेंजेस तो किए नहीं मैंने, और फिलहाल एक सेकेंड ये सब कनेक्ट कर लो। और गाइस मैंने एक स्ट्रिप पाई, सो उस स्ट्रिप पाई से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और एक सेकेंड मुझे एक अपनी पिकैक्स नहीं, तो ये ले लेते हैं और एक नई पिकैक्स बनानी है। तो हम एक जल्दी से पिकैक्स बना लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मुझे स्ट्रिप माइन से क्या फ़ायदा है। तो हम फिलहाल चलते हैं अपनी स्ट्रिप माइन, तो गाइस जल्दी से चलते हैं। सो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। और एक्चुअली वो स्ट्रिप माइन ज़्यादा दूर नहीं थी, एक्चुअली वो मैंने रवीन में ही बना ली थी। सो चलते हैं गाइस स्ट्रिप माइन की तरफ अपने। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रवीन पे, और यहाँ पे मैंने कहीं पे वाटर प्लेस किया था जहाँ से मैं नीचे गया था, तो इधर जब मैंने इसको यहीं पे बना लिया था। सो जल्दी से नीचे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिला था। उस ट्रिप पॉइंट की एंट्रेंस थी यहाँ से, स्ट्रिप पाइप हम थोड़ा नीचे चलते। और ये देखिए गाइस मुझे मिले थे डायबिट्स, और इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। So,
तक क्या यार चाहिए ही होती है। अब सीढ़ी है और रात भी हो चुकी है, तो हम जल्दी से घर की तरफ चलते हैं। और मैं 15 लेवल्स पे भी हूँ तो मैं एन्चैंटमेंट भी कर सकता हूँ। सो जाते हैं, फिर हम बनाएंगे अपने लिए डायमंड पिकैक्स। सो हो गया हमारा सौदा और पहले इसको डाल देते हैं कोको दे जो हमें आयरन ओर मिला था, और इंगट्स कलेक्ट करके वापस रख देते हैं। और ये रख दिए मैंने वापस सब, और ये ले लेता हूँ। और मैं वो बनाना चाहूँगा, क्या बोलते हैं उसको, कि मेरे क्या बोलते हैं, चेस्ट बन जाएगा ना, ये नहीं क्या नाम था उसका, चेस्ट जैसे ही होता है वो, उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, बैरल, बैरल बोलते हैं उसको। हमें एक बैरल बनाना चाहूँगा, उसके लिए लगेंगे 2 स्लैब्स, स्लैब्स भी बनाने ही पड़ेंगे, सो स्लैब्स भी बना लेते हैं। ये बच गए हमारे स्लैब्स, अब बना लेते हैं एक बैरल। सो यार याद ही हो गया कैसे बनाना है। सो बाकी एक स्लैब, 2 स्लैब, सो ये बना लिया आपने एक बैरल, और इसको देते हैं होगा डायमंड्स के लिए। अब बनाते हैं अपनी डायमंड पिकैक्स। सो ये बन गई हमारी डायमंड पिकैक्स, और भाई कति मजे आ गए डायमंड पिकैक्स बना के। और बाकी की चीजें यहाँ रख देते हैं, और यहाँ रखना, और ये एक गिट्स और रख देते हैं। तो अभी गाइस चलते हैं हम ऑब्सीडियन बनाने पर, और इसको लेते क्रीपर, एक क्रीपर, यो कितने क्रीपर से घूम रहे हैं यार। और टीएनटी का फॉर्मूला अनलॉक हो गया, मतलब फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूँ, रेसिपी अनलॉक हो गई। से चलते हैं अपने आयरन पिकैक्स तो बना ही लिए, सॉरी डायमंड पिकैक्स तो बना ही लिए, हमें बस ऑब्सीडियन माइन करना है। ब्लॉक्स वाइड कर लिए फाइनली, और अब हमें चलना चाहिए वापस डिवाइड के अंदर, और फिर निकलना चाहिए यहाँ से बाहर चल के। बनाते हैं अपने लिए एक नेदर पोर्टल, और दूसरी चीज़ तो आप जानते हो हमारी सबसे फेवरेट एन्चैंटमेंट टेबल। सो एक्चुअली मैं सोया नहीं था, तो अभी भी रात ही हो रही है, एक्चुअली मैं सो गया था पर टाइम काफ़ी लग गया तो वापस रात हो चुकी है। तो
वो खोदे, फिर हम बनाते हैं जाडमेंट टेबल। इसलिए चाहिए हमें चार ऑब्सीडियन, दो डायमंड, सॉरी। सो मेरे पास बुक तो है नहीं, सो कोई नहीं, हम नेदर पोर्टल ही बना लेते हैं पहले। उसके लिए हमें चाहिए होगा फ्लिंट, जिसके लिए हमें लगेगा ग्रेवल, और इसको रख देते हैं अंदर। ओ भाई तू कहाँ रहा? इसको दो तीन ऐसे प्लेस कर देते हैं। एक शावल आयरन बना ही लेना चाहिए, वैसे काम तो आता ही रहता है और आयरन भी काफी है यार। सो ये एक आयरन शावल बना ही लेते हैं। ताकि सुबह हो जाए और फिर एक फ्लैट ढूंढते हैं। बाकी खर्चा चाहिए मेरे हिसाब से। स्टील बना लेते हैं और ये फ्लिंट ये रखा, ये हो गया स्टील रेडी। सब सामान अंदर डाल देते हैं बाकी का, और ये और ग्रेवल थोड़ा सा, और ये कुक हो गए आयरन, तो इसको भी अंदर डालते हैं। और पहले चलते हैं एक नेदर पोर्टल बना दे। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए कॉबल स्टोन, और इसकी हम बनाएंगे स्टेयर्स। एक मिनट, ये नहीं, को डबल अप कर देते। सो 8 स्टेयर्स मेरे हिसाब से काफी रहेगी। बीच में हम इसको बनाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, सेंटर में होना चाहिए ना, तो 3 4 5 6। सो ये 4 ब्लॉक्स हो गए। अब इनके आगे लगा देते हैं स्टेयर्स। सो हमें थोड़ी सी स्टेयर्स और चाहिए होगी, फिर उस तरफ भी लगा ही देते हैं। सो मैं थोड़ी सी स्टेयर्स और ले गया था, खैर कॉबल स्टोन की कोई कमी तो है नहीं, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये लेते हैं स्टेयर्स और थोड़ी बनाई लेते हैं, काम तो आती रहती है। यहाँ पे लगा देते हैं बाकी स्टेयर्स। ओए क्या लगा दिया, इसको ये डब कर देते। अब यहाँ लगा देते स्टेयर्स एंड दिस इज डन। ओ एक्चुअली नहीं, 4 बची ना, तो एक और ये एक यहाँ पर, बस दैट्स गुड, दैट लुक्स गुड, गुड एक्चुअली गुड्स बोल रहा हूँ। तो ये 6 ब्लॉक्स है, तो हमें चाहिए 4 1 2 3 4, और दोनों तरफ से एक एक छूटेगा। 1 2 3 एंड 4। बट ओ शिट, ओ शिट 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 शिट, गलत कर गया हमें। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो 1 2 3 एंड, यार मैं फिर गलती कर गया क्या एक्चुअली? सो अभी इसको अंदर डालो, इसको बाहर लो। 1 2 3 ये, फिर एक है, 2 3 और ये। अब दैट्स डन। और सो क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो हमें लगानी पड़ेगी एक स्टेयर यहाँ।
जिसको सिर्फ फ्लिंट एंड स्टील से स्ट्राइक करना है, एंड दैट्स दैट। और फिलहाल बात रही बुक की, तो मैं जल्दी से बुक के लिए सामान इकट्ठा करके एक बुक बना लेता हूँ। और वैसे गाइस ये हो गया है तो इसको भी ले लेते हैं। और शुगर की रखा था इसमें, और ये सीड्स भी प्लांट कराते हैं। सो गाइस मैं जल्दी से जाके सो गाइस मैंने हमने ये बना ही लिया है अपना नेदर पोर्टल, और मैंने घर में भी कुछ चेंजेस किए हैं, और मैंने इंचार्टमेंट टेबल लगा दी है, और मैंने ये इंचार्ट भी की थी, उसकी वीडियो गलती से डिलीट हो गई है। और इसमें स्वॉर्ड में लिया है डॉग बैक वर्ड और आयरन पिकैक्स में अनब्रेकिंग वर्ड, तो माइनिंग काफ़ी तेज़ हो गई है। और फिर ये बस अभी तो इतनी इंचार्टमेंट से, ये है मेरा डायमंड स्टोरेज बॉक्स और एक रैंडम स्टोरेज चेस्ट, और ये है मेरा आयरन मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स का स्टोरेज। और नेदर में तो मैं आपको जाके दिखा ही चुका हूँ एक बार कि मतलब कैसा है मेरे वर्ल्ड की स्टार्टिंग। सो गाइस मैं अभी ऑफलाइन इसको थोड़ा ठीक कर लूँगा अपने फार्म को और नेदर पोर्टल को भी शायद, और चूँकि हमारे पास इतना वीट है तो ब्रेड बना ही लेते हैं। सो ब्रेड खा लेते हैं। और गाइस मैं एफके मतलब सॉरी एफके बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं ये सब करूँगा चेंजेस, सो आपको मैं बाद में दिखा दूँगा वो सारे चेंजेस, उसकी आप टेंशन मत लो। और बात रही किसी और चीज़ की, तो मैंने घर में थोड़े चेंजेस किए हैं, पर वो चेंजेस मैं दिखाऊँगा आपको अपने अगले एपिसोड में। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, और प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना बस। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।